morning to one and all friends and cheer. My phone number is MA/019/192. Today I am presenting the app Watching a Tree Be Taken in the lens. So I hope you all will enjoy the app. So let's start my app. पेड़ हमारी पृथ्वी के लिए सबसे जरूरी होता है। नाना, आपकी बात मेरे कहने से मत मानो। ये तो खुद ही मुझे एक पेड़ ने बताया है। हाँ, हम लोग चौंक क्यों गए? सुनना चाहेंगे आप लोग मेरी कहानी तो सुनिए। एक बार मैं और मेरी मम्मी स्कूल से वापस थक के घर जा रहे थे। तभी मैंने वहाँ रास्ते में देखा एक बड़ी सी मशीन एक बड़े से पेड़ को काटने जा रही थी। मैं दौड़ के उस पेड़ के पास गई। तो मैंने देखा वही पेड़ रो रहा था। मैं तो डर गई। अरे ये पेड़ रो सकता है? तभी मैंने पेड़ से पूछा, अरे पेड़ क्यों रो रहे हो? तभी उस पेड़ ने मुझे बताया, मैं लोगों का कितना भला करूं, फिर भी इंसान हमें बिना सोचे समझे काट रहे हैं। तो मैंने उस मशीन वाले अंकल से कहा, अंकल आप इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ रो रहा है, आप इस पेड़ को मत काटो। फिर अंकल ने मुझे डांटा और डांट के कहा, ए लड़की तुम ऐसे चुपचाप घर जाओ, हमारा काम है हमें करने दो, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम अभी बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। भी मैं तुरंत जाके उस पैसे निपट गई और कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। फिर मैंने अंकल को समझाया, अंकल पेड़ हमारे पृथ्वी के लिए सबसे जरूरी होता है, मैं इस पेड़ को ही नहीं पूरे पृथ्वी को बचा रही हूँ। फिर पेड़ बेटा तुम्हारे जैसे बहादुर लड़की इस दुनिया में और हो तो मैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम पे लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, लोगों को धूप में छा देते हैं, बारिश भी हमसे ही होती है, पेपर भी हमसे ही बनता है, फिर भी इंसान अपने छोटे छोटे सारे दिन हमें काट देते हैं। हमें काटने के बजाय और पेड़ लगाए तो हमें इतना तकलीफ नहीं होगी। इतना सुनके मुझे भी ढूंढना आ गया। मुझे देखे मेरे सारे दोस्तों भी एक एक पेड़ से निपट गए। इस तरह मैंने और मेरे दोस्तों ने एक एक पेड़ को काटने से बचा लिया और इस तरह को भी। उससे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी, मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा, मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो बड़ा दुखता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पेड़ को कभी ना काटो। ठीक।